नमस्कार आदाब, मैं हुसैन अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजी खबर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सिमाओ, पास नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एडिटर मेटॉक्स। कितना समय लगेगा मेरे को कोरोना डेवलप होने में अगर मैं एक पॉजिटिव पेशेंट को मिलता हूं तो? कंफ्यूजन है लोगों के मन में, आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एक पेशेंट को टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, उसका स्पूटम में एएफबी पॉजिटिव है और वो मेरे साथ में प्लेन में जर्नी कर रहा है और 4 घंटे के बाद में हमारा प्लेन लैंड कर जाता है, मेरे को टीबी होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर वो मेरे साथ में भी बैठा हुआ है तो, क्योंकि टीबी का एक्सपोजर टाइम मेरे को कम से कम 8 घंटे का चाहिए। यानी कि अगर मैं पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं और उस प्लेन में एक टीबी का मरीज है जिसने मास्क नहीं पहन रखा तो भी मेरे को टीबी का खतरा नहीं है। इसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम कोरोना के अंदर में 30 मिनट का है, कुछ लोग 10 मिनट का भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा जो सिमाओ गाइडलाइंस है, कॉन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, हमारी गाइडलाइंस में ये 30 मिनट का है। यानी कि अगर आप किसी भीड़ में जाते हो और किसी से भी दो तीन चार मिनट से ज्यादा नहीं मिलते हो और उसमें अगर कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको होने का चांस नहीं है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप 100 लोगों की भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते तो हो सकता है किसी को भी वो इंफेक्शन ना हो, अनलेस आपने सरफेस पे रख दिया और लोग उस सरफेस को टच करें। हम सिर्फ ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो 30 मिनट का है। यानी कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने आज 100 पेशेंट देखे या मैंने आज 10 पेशेंट देखे, उसमें से एक पेशेंट कोरोना का पेशेंट था, मुझे नहीं पता कौन था, और मैंने किसी को भी आधा घंटे से ज्यादा एक बारी में समय नहीं दिया तो मेरे को प्रैक्टिकली इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड मैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहा हूं। सो साइकेट्रिस्ट को अपना काउंसलिंग टाइम आधा घंटे से कम कर देना चाहिए। डॉक्टर सर्जन्स को अगर उनका सर्जिकल टाइम लेस देन 30 मिनट्स है इट इज फाइन, इफ इट इज मोर देन 30 मिनट्स तो डेफिनेटली 2 सर्जन्स को मिलकर सर्जरी करनी चाहिए ताकि कोई भी एक सर्जन को आधा घंटे से ज्यादा का सर्जिकल टाइम ना हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर आप आधा घंटे से कम का समय रखिए। आप पिक्चर हॉल जाएंगे वो तो पॉसिबल नहीं होगा कि आधा घंटे का होगा, इसलिए पिक्चर हॉल में हमेशा आपका रिस्क रहेगा। अगर मॉल पे घूमने जाएंगे तो रिस्क रहेगा, आपने कुछ खरीदना है, गए खरीदा वापस आ गए तो आपको रिस्क नहीं है। याद रखिए जो कॉन्टेक्ट टाइम है उसे हम 30 मिनट का बोलते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अगर आप मॉल में, आप बकायदा मॉल के अंदर में जा रहे हैं, आपने मास्क पहन रखा है और मास्क पहनने के बाद में अगर आपका कॉन्टैक्ट टाइम वहां पे विजिटिंग लाइन लेस देन 30 मिनट्स है और आपने हैंड वॉश की पूरी फैसिलिटी की हुई है, पूरी प्रिकॉशंस ली हुई है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ट्रेन के अंदर में डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा बिकॉज ट्रेन आधा घंटे में तो नहीं पहुँचाएगी। उस सिचुएशन में आपको 6 फिट का सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है और साथ में आपको ग्लव्स पहन के रहना है और हैंड वॉशिंग करना है। अगर ट्रेन के अंदर में आप बाथरूम में जा रहे हो तो हर चीज़ को क्लीन करो फिर बाथरूम का इस्तेमाल करो, तो उसमें आपका खतरा मिनिमाइज हो जाएगा, 0 नहीं होगा। कोरोना, नमस्ते।